हरे कृष्ण उम ज्ञान तिमिलंद से ज्ञानंजन सलाभ्य चक्षुर्मित तस्मय श्री गुरुवे नमः। हम अब संस्कृत के प्रयोगों में जा रहे हैं और आज रामायण को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे और उसको आपको समझते जाना है और बीच में फिर हम समाज सिखाएंगे। अब आप रामायण सीख रहे हैं और रामायण को हम लिखते लिखते आपको संस्कृत सिखाएंगे 2-in-1। तो अब आप देखिए आपको विभक्ति पकड़ना है। अगर आपने विभक्ति पकड़ लिया तो आपने संस्कृत सीख लिया। प्रभावशाली ना मतलब हो गए प्रभावशाली करूँ। प्रभावशाली ना महात्मा ना प्रभावशाली महात्मा धर्मज्ञस्य धर्मज्ञ का रूप बना। धर्मज्ञ मतलब होता है उसको तोड़िएगा तो बनेगा धर्म जोड़ ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है ये समास है। ज्ञान का मतलब है ज्ञान शॉर्ट फॉर्म, समास मतलब शॉर्ट फॉर्म, ज्ञान मतलब ज्ञान। धर्म को ज्ञान, धर्म को जानने वाला उसको कहते हैं धर्मज्ञ। प्रभावशाली थे, महात्मा थे, धर्म को जानने वाले थे धर्मज्ञस्य। राज्ञ है ना, राजा। दशरथस्य, दशरथ कौन से विभक्ति लगेगा दशरथस्य? दशरथ विभक्ति देखिए, दशरथ ह प्लस अ अकारांत है, अकारांत मतलब राम से छूप चलेगा। न आसीत नहीं था, अब इसका मीनिंग निकाल लीजिए, बहुत आसान है। जब तक आप इसको समझिए तब तक दूसरा लाइन डालते। वैसे जो गणेश जी को बोला जाता था ना तो गणेश जी लिखते थे, तो गणेश जी का कंडीशन था कि बिना समझे लिखना नहीं था। तो आप लिखिए लेकिन बिना समझे मत लिखिए। तब तक आप जब समझ समझ के लिखिएगा तो आपको हो जाएगा। उत्तरार्थम कृतवान अस्मि।
पुत्रार्थम तुड़ी दीर्घ संधि है आ और अ जोड़ के आ हुआ है, पुत्र का अ त्र का अंदर अ लगा है और अर्थम का अ जोड़ के आ हुआ है, पुत्रार्थम पुत्र के अर्थ, अर्थ मतलब पुत्र चाहने के लिए, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, पुत्र के प्रयोजन के चिंत मानस्य, अभी चिंतित इसका मतलब होगा चिंतित। एक ये है विशेषण, दशरथ का विशेषण लग रहा है, तो दशरथ षष्ठी विभक्ति में है, तो तस्य भी षष्ठी विभक्ति, चिंतमानस्य भी षष्ठी विभक्ति, जिसका विशेषता बताया जाता है संस्कृत में वही विभक्ति उसको और वही विभक्ति उसको लग जाता है, हिंदी और बाकी इंग्लिश में ये चीज नहीं होता। जैसे कि राम काला काला लाल आम खाता है, है ना, तो आम में अगर आम जो है रक्ता आम्र खादती है ना, रामा रक्ता आम्र खादती होगा इसका इसका अनुवाद। लेकिन अगर हिंदी में ऐसा लिखते हैं कि चिंतित राम राम चिंतित था, विशेषण में कुछ लगता नहीं अलग से, राम हिंदी में सारे शब्द में अलग अलग रहते हैं, जो है राम राम फल के लिए चिंतित था, कुछ भी अगर विशेषण है तो विशेषण में हिंदी में बाकी चीज में वो लगता नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे इसे हिंदी आसान है, नहीं, इसलिए हिंदी आसान, हिंदी क्या बोलेंगे, थोड़ा अच्छे शब्द सोच रहा हूं, हिंदी कम दिमाग वालों की भाषा, अब आप समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं क्योंकि संस्कृत में जो है जैसे आप विभक्ति चला दीजिएगा उसका, ये तुरंत समझ में आ जाएगा चिंतमानस से किसके बारे में कह रहा है, ठीक है। लेकिन हिंदी में अगर विशेषण लगाएंगे तो विशेषण किसका विशेषता बता रहा है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसमें जैसे ये षष्ठी वो षष्ठी वो षष्ठी आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि ये सब उसी के बारे में बोल रहा है, एक साथ एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। पुत्र कामेष्टी, पुत्र कामेष्टी मतलब पुत्र कामना वाला, एक नाम है यज्ञ का नाम है पुत्र कामेष्टी, नामना नाम का, यज्ञ ना कौन से विभक्ति, रामम रामम रामेण, कौन सी व्यक्ति लग रहा है, तृतीय, तृतीय व्यक्ति मतलब राम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, क्या मीनिंग निकला, यज्ञ के द्वारा, ये मीनिंग निकला। यजामी, यजामी मतलब देखिए यज मतलब होता है पूजा करना, यज्ञ करना, और यजामी मतलब मैं करूंगा, यजामी का मतलब हुआ मैं, यजसी मतलब हुआ तू, और यजति मतलब हुआ वो, इति इति मतलब ऐसा ऐसा, बुद्धि संजाता, संजाता मतलब बुद्धि का, जब उसका बुद्धि आ गया, संजाता जाता मतलब जन्म, ऐसी बुद्धि का जन्म दशरथ के मन में हुआ, कैसी बुद्धि कि पुत्र के लिए मैं क्या करूंगा, पुत्र कामेष्टी यज्ञ करूंगा, ठीक है। आप उसको लिखिए, आपका काम है आप उसको लिखिए, बिना लिखे आपको संस्कृत नहीं आना, पहले आप लिखिए। कोई भी सोचेगा कि मैं प्रैक्टिस करूंगा और बिना लिखे बिना गलती किए बिना गलती किए अगर मैं सोच, कोई सोचेगा हम सीख जाएंगे तो वो पहला व्यक्ति होगा दुनिया में जो बिना गलती किए सीखेगा, ठीक है। क्योंकि भगवान भी जब आते हैं ना और जब सीखते हैं तो कुछ गलती करना पड़ता है, क्योंकि उसको बच्चे का रोल करना है तो बच्चे का रोल में कुछ गलती उनका भी होता है, जैसे भगवान मिट्टी खा लेते हैं, और जैसे कि भगवान पहला जो ओपनिंग है वो लड़की को मारते हैं, पूतना को मार देते हैं, जबकि शास्त्र में लिखा है कि लड़कियों को मारना नहीं, इसलिए वो करना पड़ता है, और बछड़े का पूछ पकड़ के गोबर में लग जाता है पूरा, तो गलती तो करनी पड़ेगा। जो गलती से डरेगा नहीं सीखेगा। बोलो संस्कृत लिखना चालू करो।
इस पर आइए। मंत्री वरम, वर मतलब होता है धर्ता और वर मतलब होता है श्रेष्ठ, वर वधु, वर का मतलब है जो बेस्ट लड़का है, जो बेस्ट है वो वर है, इसलिए इसको वर कहते हैं, इसलिए कि वर मतलब लड़का है। मंत्री वर, मंत्री वरम, सुमंत्रम। अब देखिए मंत्री वर जो है विशेषण है किसका, सुमंत्र का, इसलिए तो सुमंत्रम जैसा लग रहा है वैसा मंत्री वरम भी दिख रहा है। मंत्री वरम में अंत में देखिए है ना, बोलने के समय अंत वाला जो वर्ड है, वर्ड तो वही रहेगा, अंत में या शुरू में कुछ उसके लगा रहेगा, उसको वो चेक करना, वो कैसा दिख रहा है, शुरू में भी नहीं, आप खाली अंत वाला देखिए। मंत्री वरम सुमंत्रम, तो सुमंत्र ही मंत्री वर है, मंत्रियों में क्या है श्रेष्ठ कौन, हाँ तो सुमंत्र का विशेषता क्या बता रहा है, मंत्री वर बता रहा है। आहुय भाई उन्हें बुला के राजा, राजा मतलब राजा, इदम मतलब ये, वचनम अब्रवीत, अब्रवीत मतलब बोले, बोलने को ब्रवीत बोल, अब्रवीत मतलब पहले बोला गया, पहले बोला गया। मंत्रियों में सुमंत्र को बुला के राजा ये वचन बोले, क्या बोले, स पुरोहितान, पुरोहितों के साथ गुरुन, गुरुओं के साथ, पुरोहितान सब पुरोहितान, पुरोहितों के साथ गुरुन बहुवचन, गुरुओं के साथ शीघ्रम तुरंत यत्र आने, यहां लेके आओ सब, मतलब अब ये यज्ञ करना चाह रहे हैं, पुरोहित और गुरुओं को बुला रहे हैं। कुछ भी याद करना नहीं आपको, बस आपको समझते जाइए बस, और प्रैक्टिस इतना करिएगा उतना याद आएगा। आनितान पूजयित्वा, खादित्वा का मतलब खाके, हम बता चुके हैं, इत्वा का प्रत्यय जब लग रहा है मतलब हो चुका है, काम कर दिया गया, लिखित लिखित्वा लिख के, चलित्वा चल के, दृष्टवा देख के, पूजयित्वा पूजा करके, आनितान उनको लाने के बाद, सब लोग गुरु लोग आ गए, पूजा करने के बाद, धर्मात्मा, धर्मात्मा राजा, ये धर्मात्मा किसका विशेषण है, राजा का, राजा कैसा है,
राजा कैसा है? धर्मात्मा। इदम वचनम अवरुद्ध, ऐसे वचन बोले। सुत अर्थम, सुत अर्थम, थोड़ी क्या निकलेगा? सुत अर्थम, सुत के लिए, सुत के प्रयोजन के लिए, सुत अर्थम, अर्थ शब्द यहाँ पे टूटेगा तो निकलेगा सूत इधर अर्थ इधर। तप्यमानस्य, तप्यमानक किसको कहते हैं? तपता है शरीर, जब आदमी बहुत दुखी होता है तो शरीर कैसा हो जाता है? तपता है वियोग में, भाई मेरे को बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, या कोई तपते रहता है ना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो तप्यमानस्य तो तपते रहता है। मम, मेरा, षष्ठी विभक्ति, अहम का षष्ठी विभक्ति मम, ये भी षष्ठी विभक्ति तप्यमानस्य। तप रहा है कौन? मम, इसी का विभक्ति, इसी का विशेषण। सुखम, सुख नहीं, नास्ति, नहीं है। तद अर्थम, तद अर्थम को तोड़िएगा तो बनेगा तत अर्थम, और ये त का द कैसे हो जाएगा? ये जस संधि है, ये एक यूनिवर्सल संधि है, जहां कुछ नहीं लग रहा है वहां ही लगेगा, ही लगेगा, समझ? ठीक है, पदांत तो एक पदांत पहले शब्द मतलब जो पहला है वो तीसरा बन जाता है, यही दस संधि है। दस संधि हमने बताया हुआ है। त का द जनरली होगा, अगर क से क है तो क का ग बन जाएगा, ठीक है, च है तो च छ ज बन जाएगा, है ना, यहाँ पे त है तो त से द, तत अर्थम, तद अर्थम हो जाएगा, जुड़ गया तो तद अर्थम हो गया। तत मतलब उस अर्थ के लिए, सुतार्थ के लिए, पुत्र कामिष्टी नाम का यज्ञ कर्तव्य करने का इति में संजाता है, ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मेरे में बुद्धि जमना है, जन्मा है। तत्वचनम श्रुत्वा वशिष्ठ प्रमुखा, सर्वे अपि द्विजा ऋष्य श्रृंग ऋष्य पुरस्कृत तमयज्ञम समारोह। उनके वचन सुन के, श्रुत्वा, पूजित्वा का मतलब पूजा करके, श्रुत्वा मतलब सुन के, बहुत आपको कॉमन है, बहुत ये आप यूज में जब तक आप इसको नहीं सीखेगा आपको याद नहीं आएगा। आप अगर केवल वर्ड रटते रहिएगा तो आपको याद करना बहुत मुश्किल है। देखिए, तत् वचनम श्रुत्वा वशिष्ठ प्रमुखा, वशिष्ठ मतलब प्रमुख, प्रमुख इसमें वशिष्ठ है। सर्वे अपि, सब, अपि का मतलब भी, द्विजा मतलब द्विज, द्विजा मतलब बहुवचन, ब्राह्मण लोग, ऋष्य श्रृंग, ऋष्य नाम है, ऋष्य श्रृंग एक विशेष पुरोहित का नाम, ऋषि श्रृंग जो थे ये ऋषि थे और इनके पिता थे विभांडक। तो ऐसा था कि ऋषि श्रृंग के जो माँ थी एक अप्सरा थी, और जन्म देने, जन्म भी मतलब दी नहीं, वो अपने ऋषि के जो वीर था उसको लेके उसने एक हिरनी के अंदर डाल के चली गई, इतनी मतलब लापरवाह थी। तो जब वो बच्चा आया हिरनी के पेट से तो उसको ऋषि का मतलब टेस्टी हुए भी था बेसिकली,
आज जो टेस्ट में भी करते हैं ना IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो IVF का पहला एग्जांपल था। वो अप्सरा ने वीर्य लेके हिरणी के अंदर डाल दिया, तो अब हिरणी के से जब गर्भ से पैदा हुआ तो उसको सिंह थे बच्चे को, तो सिंह थे। तो जब ऋषि ने देखा कि ऐसी थी ये अप्सरा ऐसी थी, उनको स्त्री जाति से ही खेद हो गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को स्त्री से इतना दूर रखूंगा कि इसको कुछ भी पता नहीं चलेगा स्त्री होती क्या है। तो आश्रम में कोई स्त्री नहीं आती थी, और आश्रम ऐसे जगह रखे थे कि 50 मील तक कोई भी मानव स्त्री ना रहे, ऐसा उन्होंने पूरा बना के रखा। जैसे कि मान लीजिए कि आश्रम में कचौरी नहीं बनती होगी, समोसा बनता हो, तो कचौरी जो स्त्रीलिंग है, कहने का मतलब बता रहा, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है। पिंक जो है कलर बैन होगा आश्रम के अंदर, पिंक कलर का कुछ भी नहीं बनेगा, स्त्रीलिंग लगता है देखिए, सब कुछ जो है वैराग्य दो पुरुष रूप से सब था। तो ऐसे करके उसको बड़ा किया था, लेकिन बगल के राज्य में सूखा पड़ गया, और राजा को किसी ने बताया कि इसका उपाय है कि कोई जो ब्रह्मचारी इसने स्त्री को देखा तक नहीं है, स्पर्श तक नहीं किया है, वही वैसा ही जो है बच्चा जो है राज्य को बारिश ला सकता है। तो राजा बोला ऐसा बच्चा कहां से मिले, कब से माँ का स्पर्श तो हुआ ही होगा। बोला नहीं, माँ को भी जिसने स्पर्श नहीं किया ऐसा बच्चा चाहिए। बोले राजा बोले यह संभव है, बिना माँ का बच्चा कैसे आएगा। तो बोले नहीं है, है जंगल में एक बच्चा है ऐसा। तो विभांडक का जो बच्चा था उसके पास, अब लाएंगे कैसे उसको, तो विभांडक थे नहीं आश्रम में। जब यहाँ से इन्होंने कुछ गणिकाओं को भेज दिया ड्रेस चेंज करके, साधु का जैसा बाल वाल खुल के एकदम भभूत वभूत लगा के पहुंच गई, बोलो अलख निरंजन अलख निरंजन करके बच्चा बोलो। तो ये बोलने लगा, अरे आप लोग का आवाज बहुत मधुर है, सुरीला है। बोला है कैसे नहीं, हम लोग बहुत तपस्या किया है। एक तो ऐसा है, तो जब वो जब बच्चा आया उसको उन्होंने पटा के किसी तरह कि चलो उधर तुमको ऐसा हम दिखाएंगे, ऐसे से हमारे जैसे तेजस्वी ऋषि, इनका गला भी सुरीला है, चेहरा भी देखो कैसा है हमारा। उसने बोला हाँ आप लोग का चेहरा भी अलग है, आप लोग का हाथ भी बहुत कोमल है। बोले इसके लिए तपस्या करना पड़ता है बच्चा, इसके लिए अलग कुछ खाना पड़ता है। बोला किधर मिलता है वो सब। बोले चलिए मैं आपको दिखाएं, हम दिखाएंगे। ऐसा करके इसको खुशला बहला के बच्चे को लेके आ गए, और जैसे ही बच्चा ये आया इधर पैर रखा, बारिश चालू हो गई। वहां पीछे से विवांडक ऋषि आए तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, राजा ने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया ऋषि सिंह से। अब ऋषि सिंह ने उस बेटी से शादी तो कर लिया, लेकिन वो बेटी भी राजा की नहीं थी, वो बेटी वास्तव में दशरथ की बेटी थी, शांता नाम था उसका, मतलब राम की बड़ी बहन हो गई, और उसको वो बचपन से ही लेके आए थे। तो अब जब दशरथ को बेटा नहीं हो रहा है तो यज्ञ कौन करेगा, तो ऐसा पावरफुल ऋषि के बारे में जानने के बाद लोग उसी को बुलाएंगे। तो ऋषि सिंह को ही बुलाया गया कि भाई आप ही करिए। ऋषि सिंह को पुरस्कार दिया गया, मतलब दामाद है, ऑफिशियली दामाद तो रोमपाद का है, लेकिन अगर देखा जाए कि दशरथ का ही मतलब एक्चुअल दामाद है। तो इसी ने आके यज्ञ समारंभ, तो यज्ञ का समारंभ इसने जाके वहां चालू किया। ये हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ये इतना फास्ट नहीं चलता है रामायण, लेकिन ये समझिए कि आपको संस्कृत सीखने के लिए एक वेव में एक 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 लय में आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसको यहीं पे ब्रेक देंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे थोड़ा समास। धर्मविद नोड़िए इसको, समास मतलब इसका मीनिंग हिंदी में निकालिए। धर्मविद का मतलब आपको क्या लगता है हिंदी में क्या मीनिंग होगा?
अगर आपने वो निकाल दिया तो आप समझ लो धर्म हित मतलब, हित मतलब होता है जानना, धर्म को जानने वाला। वाह, अगर आपने ये निकाल दिया तो आप निकाल दो। तो अब इसको संस्कृत में तोड़ दीजिए, धर्मम वेति, धर्म को जानने वाला धर्मविद। धर्मविद कौन है? जो धर्म को जानता है। नगर वासिना, इसका हिंदी मीनिंग निकालिए। नगर में वास करने वाला। इसमें बस आपने मीनिंग निकाल दिया, मतलब आपका क्लियर हो गया। तो अब देखिए नगर में कौन सा विभक्ति है, कौन सा विभक्ति? सप्तमी लग गया, नगर में आश्रय ले लिया, तो नगर में तो होगा नगरे। क्या होगा? नगरे। नगर जो है यह अकारांत है ना, नगर में अ है, यहां देखिए र के अंदर अ छिपा हुआ है ना, तो अकारांत का रूप राम के जैसे चलेगा, तो नगरे है ना, नगरे। वास करने वाला, वास करने वाला, वसंती वाले, वाले बहुवचन है, वसंती। नगरे वसंती इति, इति मतलब उसी को नगर वासी न कहते, उसी को नगर वासी न कहते। नगरे वसंती इति नगर वासिन। खनक सप्तमा, खनक सप्तमा, खनक का मतलब होता है खोदने वाला, सप्तमा का मतलब होता है बेस्ट। अब इसका हिंदी मीनिंग बताइए, खनक सप्तमा का? बेस्ट, हाँ, खोदने वालों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अब मैंने बेस्ट लिखा था, अभी बेस्ट कर दिया, खोदने वालों में श्रेष्ठ। ठीक है, खोदने वालों में मतलब बहुवचन आ गया, खोदने वाले बहुवचन है, एक वचन नहीं है। में मतलब हो गया सप्तमी विभक्ति, ठीक है, विभक्ति कौन सा लग गया? सप्तमी। तो खोदने वाले को कहते हैं खनके, खनिक है ना, खनिक, खनकेसु राम, रामे, रामयो, रामेशु, ये सप्तमी विभक्ति ऐसे होता है, एक वचन एक राम, दो राम, बहुत राम, बहुत सारे राम है ना, इन्फिनिटी, अनंत राम। खनकेशु, खनकेशु मतलब खोदने वालों में श्रेष्ठ, खनक श्रेष्ठ, सप्तम, खनकेशु सप्तम, प्रथमा है इसका। ये जो है खनक खोदने वालों में श्रेष्ठ, जुड़ेगा तो बन जाए खनक सप्तम। एक खनकेशु का सप्तमी विभक्ति आउट हो गया, सप्तम का पहला विभक्ति आउट हो गया, खनक सप्तम हो गया, एकदम डायरेक्ट बिना विभक्ति का बन गया, हो गया समास। ठीक है, समास का मतलब शॉर्ट में कथन, बड़े चीज को शॉर्ट में कहा जाए तो उसको कहेंगे समास। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ, अब हम समास इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि व्याकरण जो है नमक के जैसा, ज्यादा खा लीजिएगा जहरीला हो जाएगा, नहीं खाइएगा नमक टेस्टी नहीं आएगा, इसलिए हल्का हल्का खाना। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, सलिलम, सलिलम का मतलब होता है पानी, जल। कमलम माधुरम
सलिलम मधुरम मधुराधे पते अखिलम मधुरम गुंजा मधुरा गावो मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सृष्टि मधुरा गाना बनकर व्यस्त गाना रखता है सलीलम का मतलब जल, लेकिन अगर ये जो हर्षी है ये अगर दीर्घ हो जाए सलीलम तो इसका मतलब लीला हो जाएगा लीला। अगर आप सलील ये इसका ये कर दीजिएगा खाली एक हर्ष और दीर्घ से इसका मतलब हो जाएगा लीला, मतलब सलीला मतलब आराम से सहजता से, जैसे भगवान लीला करते हैं ना, लीला मतलब मजे में कर देते हैं कोई चीज, तो सलीलम का मतलब सहजता से कोई चीज कर देते हैं उसको कहते हैं सलीलम, ठीक है। और ये अवयव है, अवयव का मतलब है इसका कोई विभक्ति नहीं चलेगा, जहां भी यूज में आएगा आपको यही वर्ड दिखेगा, इसमें सलीलमे ये नहीं चलेगा, समझ रहे ना, सलील सलीलाया सलीलाम ये सब कुछ नहीं चलेगा, बस यही अच्छा है कि अब कुछ अवयव भी हैं, अवयव जो हैं ऐसे कैसे यूज होते हैं कहीं चेंज नहीं होता उसको सलीलम। सूतः नोट करते रहिए ये सब वर्ड्स जो है, आपको लिख लें से आपको याद हो जाएगा। सूतः का मतलब लड़का बच्चा, सूत और सूत दीर्घ, सूतः इसका मतलब है सारथी, ठीक है। दिनम दिन, दिन मतलब दिन मतलब दिन, दिन रात वाला दिन, और दीनम इसका मतलब क्या होगा दीन दयाल, हाँ गरीब, दीनदयाल उपाध्याय वो दीनदयाल ही है, वहां पे ये दिन मत कर दीजिए, ठीक है। कुलम और कुलम सब किनारा, कुलम मतलब सब, संकुल बोलते हैं ना, शिक्षक शैक्षिकीय संकुल, संकुल में संकुल मतलब समूह, तो उसमें ये कुल दिखेगा आपको हर स्वर, ठीक है। कुलम और कुलम, कुलम दीर्घ मतलब नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, किनारे के लिए ये कुलम यूज किया जाए। सीता, सीता सीतः मतलब हुआ ठंडा, सीतः मतलब हुआ तीक्ष्ण धार वाला चीज, तेज धार सीत सीत। सीता 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 मतलब सीता जी, जानकी जी, और सीता मतलब शक्कर। रूप गोस्वामी श्लोक लिखते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ दशामृत में, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या, स्यात् कृष्ण चरितादि नाम चरितादि सीतापि अविद्या तप्तस्य रचनस्य न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनं खलु सैव जुष्टा
स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गत मूल हंत्री। याद आ गया। तो उसमें जो मैं पढ़ता था जब मैं रटता था, उसमें बोला सीत का मतलब मीठा, सीता जी होती है। तो याद अब आ रहा है ये बुक पढ़ने के बाद, वहां पे हर्ष था, वो हर्षी सीता था, ये मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और हमेशा सोचते थे कि संस्कृत में क्या लोग कुछ भी बोल देते लोग, अरे कुछ भी नहीं बोलते भैया, ये हल्का सा इधर से उधर से मीनिंग इतना फर्क पड़ता है, हमको पता नहीं है। ये एकदम फाइन चीज है, कुछ भी बोल देना नहीं होता है। हाँ, और एक देखिए, और एक मजेदार देखिए, दो चार सखी और सखी, एक हर्ष है एक दीर्घ है। हर्ष वाला पुरुष है और दीर्घ वाला जो है स्त्री। सखी स्त्री हो गई, सखी पुरुष हो गई, इसलिए भगवान अर्जुन को सखा वो कहते हैं, सखा कहते हैं, है ना। तो ये सखी से रूप बना हुआ है, सखी से जो रूप बना है उसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया। एक और चिरम, चिरम मतलब होता है जल्दी, और चिरम चिरम का मतलब जल्दी, चिरम का मतलब लंब उल्टा ज्यादा, दीर्घ का सॉरी दीर्घ का अच्छा, चिरम का मतलब होता है फटे चिटे कपड़े। चिरानी किम न संती पथानी, क्या कपड़े फेंके हुए नहीं है रास्ते पे, क्या वृक्ष छाया नहीं देते, क्या नदियां पानी देना बंद कर दी, क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, क्या पत्थर नहीं है जहां पे ऐसे हाथ लगा के सो सकते हो, तो तकिए की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कस्मात भजंती कवियो धन दुर्मदांध, फिर धन से अंधे लोगों का जाके भजन क्यों करते हो जब ऐसे ही जी सकते हो बिंदास भाई। अरे पानी पी लो, फल खा लो, सोने का आया तो ऐसे तकिया बना के सो जाओ। हरे ये भागवतम के द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपके ऊपर आपको लेना है कि नहीं लेना है। हरे कृष्ण। और ये आज का आखिरी, अब हम आपको तीनों विभक्ति का रूप दिखा रहे हैं। अभी तक हमको खाली एक वचन का दिखा रहे थे, मतलब तीनों वचन का दिखाएंगे। एक वचन लिखिए यहाँ पे, द्विवचन, बहुवचन, और एक शब्द ले लीजिए गजा। गजा अकारांत है, राम का जैसा रूप चलेगा, ठीक है ना। गजो, दो हाथी, एक हाथी दो हाथी, गजो गजा बहुत सारे हाथी। गजम यह है प्रथमा, द्वितीय होगा गजम, गजो गजान बहुत सारे। गजम मतलब होता है हाथी का, है ना, द्वितीय हो गया, हाथी प्रथमा में नहीं द्वितीय में। कर्ता कर्म है ना, और तृतीय में गजेन गजाभ्याम। आप डरिए नहीं, आपको याद करना ही नहीं है, आप खाली पहचानिए कि कैसा है, पहचानना सीख लीजिए भाई ये अंदाज में इधर है गजाए। पूरे इसमें लिस्ट में केवल आपको याद करना है ये बस, ठीक है। और एक ये दो ही याद करिए बस,
और बाकी याद करने की जरूरत नहीं, बाकी पहचानी बस गजाय गजाभ्याम। मीनिंग ऐसा निकलेगा हाथी के द्वारा गजेन, दो हाथी के द्वारा गजाभ्याम, बहुत सारे हाथियों द्वारा गजय। गजाय मतलब हाथी की, एक हाथी के लिए, गजाभ्याम मतलब दो हाथी के लिए, और गज भी गजेभ्य बहुत सारे हाथियों के लिए। पंचमी में होगा गजार, हाथी एक हाथी से छूट के निकला कुछ, गजाभ्याम फिर से गजाभ्याम, दो हाथी से छूट के कुछ गिरा, और गजेभ्य यही वापस। षष्ठी में होगा गजस्य, एक हाथी का गजयो, दो हाथी का गजाना, बहुत सारे हाथियों का। सातवां होगा गजे, एक हाथी के ऊपर गजयो, दो हाथी के ऊपर, और गजेसु बहुत सारे हाथियों के ऊपर। ये सात विभक्ति लग गई, आप इसको याद रखें, इसको ध्यान रखें। एक हाथी में, एक हाथी के ऊपर या एक हाथी में, दो हाथी के ऊपर या दो हाथी में, बहुत सारे हाथियों के ऊपर या बहुत सारे हाथियों में। सप्तमी का मतलब होता है या उसे में या ऊपर। ये टेबल पे किताब है, किताब पे चौक है, चौक पे मेरा हाथ है, मेरे हाथ के ऊपर मैं हूं। तो ये सप्तमी विभक्ति मतलब आश्रय लेना, आश्रय लेना कहते हैं सप्तमी विभक्ति। ठीक है, आपको ज्यादातर आपको जो यूज में जो आएगा, आपको खाली इतना याद रखना है कि ये तृतीया का ये जो है ना, ये बड़ा यही है जो आदमी को भूल सकता है। बाकी गजाभ्याम 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 तो एक ही है, देखिए ये तीन को क्या याद करेगा, वो एक ही चल रहा है, और ये गजेभ्य गजेभ्य भी दो तो एक ही चल रहा है, इसको क्या याद करेगा, ये तो ऐसे ही निकल गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ये तो हम आपको पूरा याद करा ही दिए, कम से कम 108 बार तो लिख चुके हैं आप, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। इधर से केवल आपको याद करना ये होगा बस, एक तो ये वाला याद कर लीजिए, अगर दिल करे तो आप ये दोनों याद कर लीजिए, नहीं तो ये भी छोड़ दीजिए चलेगा, बस ये और ये एक ये डब्बा और एक ये डब्बा, ये तीन चीज याद कर लीजिए तो काम चल जाएगा, बाकी ये कोई याद करने की चीज नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, इतना सारा विभक्ति देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो रूप बदलता है केवल इसका बदलता है, अलग अलग जो इकारांत उकारांत ये रांत वो रांत जो होता है वो बदलता है तृतीय बहुवचन, बस ज्यादातर यही देखिएगा, ज्यादातर यही बदलता दिखता है, और ये दोनों बदलते दिखते हैं, बाकी सब एक जैसे दिखते हैं। हरे कृष्ण, बस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए, मंडे को मिलेंगे। जय श्री भगवान, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय।